फर्स्ट ऑफ ऑल आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द मिसिंग नंबर. ओके, आपको इसमें मिसिंग नंबर फिल करना है. जैसे दिया है 700, 701, 702, देन डैश दिया है, फिर 704. तो क्या आएगा 702 के बाद, आपको पता होना चाहिए. चार ऑप्शंस दिए रहेंगे, 703, 706, 710, 720. इसमें से आपको सोचना है क्या सही है और उस पर चूज़ करना है. ओके, 703 राइट हो जाएगा, वो हम सेलेक्ट कर लेंगे. फिर क्वेश्चन नंबर 2, शॉर्ट फॉर्म ऑफ 800 प्लस 20 प्लस 3 इज. हम 800 प्लस 20 प्लस 3 करते हैं तो क्या आंसर आता है, 823. ये सारे क्वेश्चंस हमने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़े हैं. ठीक है, तो 823, तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, सेकंड वाला, 823, दिस वन. ओके, सेकंड ऑप्शन इज राइट. देन थर्ड इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ 600 प्लस 30 प्लस 5 इज, क्या होएगा, 635, 6035, 653 और 650. तो क्या हो जाएगा, 635, फर्स्ट वाला. ओके, फिर स्किप काउंटिंग इन टेंस एंड राइट द नेक्स्ट नंबर. आपको 10 में स्किप काउंटिंग करनी है. जैसे हम स्किप काउंटिंग 10, 20, 30, 40 ऐसे करते हैं ना, उसी तरीके से 10 की स्किप काउंटिंग, 10 नंबर्स आगे बढ़ा के. सो इसमें क्या नंबर्स दिए हैं, 810, 820, 830. तो नेक्स्ट नंबर क्या आएगा इनमें से, चार ऑप्शंस में से, 840. ओके, इस तरीके से करना है. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, स्किप काउंटिंग इन हंड्रेड्स एंड राइट द नेक्स्ट नंबर. अब आपको 100 में स्किप काउंटिंग करना है, 200, 300, 400, फिर क्या आएगा नेक्स्ट नंबर इन चार ऑप्शंस में से, 500. ओके, देन नेक्स्ट इज चूज द करेक्ट व्यू ऑफ द बस. ये हमने फर्स्ट चैप्टर में व्यूज के बारे में पढ़ा था, टॉप व्यू क्या होता है, साइड व्यू, फ्रंट व्यू, इस तरीके के व्यूज पढ़े थे. तो इसमें से ये बस का कौन सा व्यू होगा, दिस इज द साइड व्यू ऑफ द बस. ओके, देन नेक्स्ट इज व्हाट नंबर कम्स आफ्टर 47. आफ्टर और बिफोर हमने छोटी क्लासों में पढ़ा है, आफ्टर मतलब बाद में और बिफोर मतलब पहले. तो व्हाट नंबर कम्स आफ्टर 47, मतलब 47 के बाद कौन सा नंबर आता है, 49, 50, 48, 46, क्या आएगा, 48. ओके, देन क्वेश्चन नंबर 8, 1 meter में हाउ मेनी सेंटीमीटर्स आर देयर, वी हैव स्टडीड दिस, 100 centimeter. तो इन ऑप्शंस में से क्या सही हो गया, 100. देन व्हाट नंबर कम्स आफ्टर 69, फिर पूछ रहे हैं आफ्टर 69, 69 के बाद कौन सा नंबर आता है, तो इन चारों में से कौन सा आएगा, 70. देन चूज न्यूमरल फॉर द गिवन नंबर नेम. ये नंबर नेम दिया है आपको, आपको इसके लिए न्यूमरल मतलब नंबर देखना है कि कौन सा है. 523 ये लिखा है नंबर नेम, तो इसमें से देखिए कौन सा सही होगा. 523 क्या है, 5023, 523, 530, 520, क्या होगा, बी वाला सही, 523. देन चूज न्यूमरल फॉर द गिवन नंबर नेम, फिर से एक और दिया है 969, इसमें से आप चूज करिए 960, 999, 969, 990, कौन सा होगा, 969. ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 12, चूज द करेक्ट नंबर नेम फॉर द नंबर. यहाँ आपको नंबर दिया हुआ है, उसके लिए अब आपको नंबर नेम बताना है. 629 आपको नंबर नेम दिया हुआ है, 629. ओके, तो ये चार ऑप्शन है, 629, 629, 629 और 6029. तो इसमें से क्या सही होगा, 629. Which one is right? The first one, 629. Place value के according हम number name pronounce मतलब पढ़ते हैं. Okay? Then question number 13 is choose the correct number name for the number. Same similar question है, number दूसरा है, 836 दिया हुआ है आपको. Okay? तो इसमें options क्या है, 836, 836, 836, 8,030, 60. Okay? So क्या हो जाएगा, 836, B1. देन वॉट इज़ द प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इन द नंबर 428. 428 में 4 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो हम प्लेस वैल्यूज पीछे से काउंट करते हैं, ये वंस, ये टेंस, ये हंड्रेड्स. तो 4 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, हंड्रेड्स.
देन सिमिलर नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेंचुरी मीन्स, सेंचुरी मतलब क्या होता है? आप सबको पता है आप क्रिकेट देखते हैं, सेंचुरी हमारे ईयर्स में भी होती है, तो क्या मतलब होता है उसका? 100 ईयर्स, ओके, और 100 रन्स, वट एवर इट मीन्स 100, ओके. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज वट इज़ द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इन द नंबर 268? क्या प्लेस वैल्यू होगी इस नंबर में 268 में? 6 की प्लेस वैल्यू बताना. ये हो गया वंस, ये टेंस, ये हंड्रेड्स. 6 की प्लेस वैल्यू क्या है? टेंस, ओके. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज डज द डॉटेड लाइन डिवाइड द पिक्चर इनटू टू इक्वल हाफ्स? ओके, इसमें क्या बोल रहे हैं? ये एक पिक्चर दी है ट्राइंगल की और एक डॉटेड लाइन से उसको डिवाइड किया है, तो बोल रहे हैं क्या दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है? आपको बताना है येस, नो और नन ऑफ दीज. तो देखिए ये ट्राइंगल है और इसको ये डॉटेड लाइन डिवाइड कर रही है, तो ये दोनों क्या हैं? इक्वल पार्ट्स हैं. ये भी जितना बनेगा उतना ही ये बनेगा, तो येस इसका आंसर हो जाएगा. फिर नेक्स्ट इज डज द डॉटेड लाइन डिवाइड द पिक्चर इंटू टू इक्वल हाफ. सिमिलरली एक और ट्राइंगल दिया है बट उसको इस तरीके से डिवाइड करा है, तो क्या ये डिवाइड होके सेम इक्वल पार्ट्स आएंगे? नहीं. देखिए ऊपर के पार्ट में एक छोटा ट्राइंगल बनेगा और नीचे के पार्ट में कुछ इस तरीके का फिगर बनेगा, तो ये इक्वल है क्या? नहीं है, दोनों अलग अलग शेप्स बन रहे हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नो. देन नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19, वी मेजर द लेंथ ऑफ ब्लैक बोर्ड इन. हम ब्लैक बोर्ड कितना बड़ा होता है क्लास में, आप सबने ब्लैक बोर्ड देखा है ना, तो वो उसकी लेंथ हम किस चीज़ में मेजर करेंगे? मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर और मिलीमीटर. तो इट विल बी मेजर्ड इन मीटर, ओके. देन नेक्स्ट इज वी मेजर द लेंथ ऑफ बुक इन. बुक जो आपकी होती है जैसे मैथ, CVS, इंग्लिश की बुक है, इसको आप काय में मेजर करोगे? मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर और मिलीमीटर. तो सेंटीमीटर में आप इसको मेजर करोगे. देन 10 मोर देन 30 इज, हमने पढ़ा है ये थर्ड चैप्टर में, मोर मतलब प्लस एंड लेस मतलब माइनस. तो 10 मोर देन 30 इज 10, मोर मतलब हमें क्या करना रहेगा? प्लस. तो क्या हो जाएगा? 40. 10 मोर देन 30 इज 40, इन ऑप्शंस में से ये आंसर होगा. देन 100 लेस देन 500 इज, 100 लेस करवा देंगे अगर हम 500 में से तो कितना बचेगा? लेस मतलब क्या होता है? माइनस. बड़े नंबर में से हम छोटा नंबर क्या करते हैं? माइनस करते हैं. तो 500 माइनस 100 इज 400. तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? फर्स्ट वाला 400. ओके, अच्छे से बहुत प्रैक्टिस करिए इन क्वेश्चन.